अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मैटर यूट्यूब चैनल और आज हम आपको लेके हैं DHA फेज 6 लाहौर में, जहां पर हम विजिट करेंगे एक कनाल ब्रांड न्यू मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर कंस्ट्रक्ट किया हुआ घर का ओवरव्यू, जिसकी अकोमोडेशन के अंदर 5 बेडरूम और 6 वाशरूम इंक्लूड है। विदाउट बेसमेंट और अनफर्निश्ड ये घर है। DHA फेज 6 के प्राइम ब्लॉक के अंदर ये घर लोकेटेड है, जिसका कंप्लीट कवर्ड एरिया 5200 स्क्वायर फीट है और डायमेंशन 50x90 की डायमेंशन के अंदर ये घर कंस्ट्रक्ट किया गया है। कम्प्लीटली मॉडर्न आर्किटेक्ट के साथ ये घर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। फ्लोर प्लान में आपको ग्राउंड फ्लोर के अंदर 2 बेडरूम और फर्स्ट फ्लोर के अंदर 3 बेडरूम जो है वो आपको मिलेंगे। सर्वेंट क्वार्टर की एक्सेस आपको ग्राउंड फ्लोर से मिलेगी और जो सर्वेंट क्वार्टर है उसमें आपको 2 बेडरूम विथ अटैच वाशरूम और ओपन किचन जो है वो बेसमेंट के अंदर मिलेगा। घर की यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और वाटर सप्लाई कनेक्शन इंस्टॉल्ड मिलेगा। सराउंडिंग में आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट साइड के ऊपर ओपन स्पेस और राइट साइड के ऊपर आपको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन मिलेगी। 60 फीट वाइड कारपेटेड रोड के ऊपर घर ये लोकेटेड है। तो हम एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं, तो एलिवेशन के ऊपर आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है वो इटालियन टाइल का यूज़ किया गया है, जिसमें आपको डार्क ग्रे और वुडन कलर की टाइल का यूज़ मिलेगा। फ्लोर के ऊपर भी अगेन जो है वो आपको डार्क ग्रे कलर की टाइल और जेट ब्लैक कलर का आपको 5 फीट हाइटेड जो है वो गेट मिलेगा। उसके बाद घर का जो एक्सटर्नल ग्रीन एरिया है आपको वो 13 फीट की डायमेंशन में मिलेगा और मेन वॉल के ऊपर जो बाउंड्री वॉल है वो आपको 6 फीट हाइटेड मिलेगी, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं CNC और टॉप के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फेंस मिलेगा। एक्सटीरियर के बाद हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो घर में एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर कार गैराज मिलेगा, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3-4 कार की पार्किंग स्पेस आपको मिलेगी। कंप्लीट फ्लोर के ऊपर अगेन आपको टाइल का यूज़ मिलेगा। टाइल की अगर हम डायमेंशंस की तरफ चलें तो आपको ये 2x5 के डायमेंशन में टाइल मिलेंगे। अगेन एलिवेशन के कम्बिनेशन के ऊपर आपको डार्क ग्रे कलर की टाइल मिलेगी। वॉल्स के ऊपर अगेन आपको फ्रंट के ऊपर वुडन कलर और दूसरी साइड के ऊपर आपको लाइट और डार्क ग्रे कलर के कम्बिनेशन में टाइल मिलेगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको CCTV कैमरे और इलेक्ट्रिक फेंस जो है वो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगी। दोनों साइड से आपको ओपन स्पेस मिलेगी और आपको सर्वेंट की जो एक्सेस है वो यहाँ से मिलेगी। सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो आपको फ्रंट के ऊपर ही मिलेगा। उसके बाद हम राइट साइड पे चलते हैं घर के इंटरनल ग्रीन एरिया की तरफ, जहाँ पर प्रॉपर आप ये देख सकते हैं सिटिंग स्पेस बनाई गई है और प्लांटर का यूज़ किया गया है। DHA के लॉस के मुताबिक आपको दोनों स्पेस जो है वो ओपन मिलेंगी। लॉन से आप जो है वो कंप्लीट एलिवेशन का एक व्यू देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो आप ये इसकी मेन एंट्रेंस देख सकते हैं, जो कि 10 फीट हाइटेड डोर के साथ रखी गई है। फ्रंट के ऊपर जो कंप्लीट डोर है वो आपको एशवुड का मिलेगा और फ्लोर के ऊपर आपको मार्बल का यूज़ मिलेगा। तो एंटर होते ही साथ यहाँ पर सबसे पहले आपको डबल हाइटेड लॉबी, जिसके टॉप के ऊपर आप शैंडलियर देख सकते हैं। लॉबी के अगर हम लेआउट की बात करें तो आपको राइट साइड के ऊपर डाइनिंग और ड्राइंग की एक्सेस मिलेगी। फ्रंट के ऊपर टीवी लॉन्च और दूसरी साइड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन आपको जो है वो फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स मिलेंगे। विंडो का एक्सेसिव यूज़ किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डे टाइम के ऊपर सनलाइट जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में आपको यहाँ पर मिलेगी। स्टेयर्स के नीचे आपको अगेन जो है वो पाउडर रूम की एक्सेस मिलेगी एक कॉर्नर पे, और फ्लोर के ऊपर आपको कंप्लीट जो है वो कैले की इम्पोर्टेड टाइल डार्क ब्राउन कलर में मिलेगी। तो 1x1 हम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का जो है वो टूर करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें ड्राइंग रूम का, तो आपको अगेन यहाँ पर जितने भी इसके इंटरनल डोर हैं वो आपको 10 फीट हाइटेड मिलेंगे, जहाँ पर आपको ग्लास और येलो पाइन का यूज़ मिलेगा। कंप्लीट फ्लोर के ऊपर अगेन आपको वुडन टाइल और जो मेन फीचर्ड वॉल है यहाँ पर आपको ग्लास वुडन पाइलिंग और टाइल का यूज़ मिलेगा। एल शेप के अंदर आपको 8 फीट हाइटेड विंडो मिलेगी, जहाँ पर आप डबल ग्लेस और टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ देख सकते हैं। टीवी लॉन्च डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम आपको जो है वो कंबाइंड मिलेगा। इसकी एक्सेस आपको टीवी लॉन्च और लॉबी दोनों साइड से मिलेगी। उसके बाद हम सीलिंग के डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रखा गया है, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेड
सीलिंग फैन और मिड के अंदर जो है वो शैंडलर मिलाएंगे। वेंटिलेशन के लिए आप डाइनिंग की वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं एक विंडो, और टॉप के ऊपर आपको TCL के जो है वो इन्वर्टर मिलेंगे। ड्राइंग रूम के बाद हम डाइनिंग और ड्राइंग रूम के बाद हम चलते हैं टीवी लॉन्च की तरफ। लाइट कलर की टाइल का यूज़ मिलेगा आपको कंप्लीट जो है वो इस टीवी लॉन्च के अंदर। फ्रंट के ऊपर आपको कंप्लीट जो है वो मीडिया वॉल मिलेगी, जिसकी बॉटम के ऊपर ड्रॉर, और मेन वॉल के ऊपर अगेन आपको टाइल और वुड की पाइलिंग मिलेगी। डार्क और लाइट कलर की कम्बिनेशन के अंदर आपको कंप्लीट जो है वो टीवी लॉन्च का डिज़ाइन मिलेगा, और उसके बाद सीलिंग का डिज़ाइन जिसके कॉर्नर के ऊपर आप वुडन कलर देख सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं किचन की तरफ। हाई एंड किचन आपको इस घर के अंदर जो है वो मिलेगा कंप्लीट। अगर हम किचन की एसेसरीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में हायर का रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओवन, और प्रॉपर जो है वो आपको सिटिंग स्पेस और बर्नर की जो इंस्टॉलेशन है वो आपको एक कॉर्नर के ऊपर मिलेगी। कंप्लीट आपको फ्लोर से लेके सीलिंग के डिज़ाइन तक आपको कैबिनेट्स मिलेंगे, और उसकी बैक साइड के ऊपर आपको एक वर्किंग किचन मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी आपको बर्नर, टॉप और बॉटम पे कबर्ड और शेल्फ का जो है वो इंस्टॉलेशन आपको मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं रूम्स की तरफ। तो आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 bedrooms मिलेंगे, 1 master और दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड साइज का। सबसे पहले अगर हम मास्टर बेडरूम की बात करें तो कंप्लीट इसका फ्लोर जो है वो आपको वुडन मिलेगा। मेन वॉल के ऊपर आपको जो है वो फीचर्ड वॉल मिलेगी जहाँ पर आप फोमिक शीट, ग्लास, और कंप्लीट वॉल के ऊपर आप विंडो की इंस्टॉलेशन देख सकते हैं जिसकी हाइट 11 फीट रखी गई है। इसकी एक्सटर्नल साइड के ऊपर आप देख सकते हैं सिटिंग स्पेस बनाई गई है, और फीचर वॉल के ऑपोजिट साइड पे आपको मीडिया वॉल मिलेगी। अगेन सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पर भी आपको प्लेन मिलेगा। और उसके बाद चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर एल शेप में इसकी कैबिनेट्स मिलेंगी, सिंगल वैनिटी जो कि कम्प्लीटली कोरियन के साथ आपको मिलेगी, LED ग्लास, वॉल हैंग कमोड, जैकूजी, और कंसील्ड आपको शॉवर मिलेगा। टाइल्स की अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो आपको कंप्लीट वॉल के ऊपर डार्क ब्राउन कलर की टाइल और फ्लोर के ऊपर लाइट ग्रे कलर की जो है वो आपको टाइल मिलेगी। क्लोजेट जो है वो आपको कंप्लीट फ्लोर से लेकर रूफ तक की हाइट मिलेगी, जिसके फ्रंट के ऊपर आप ग्लास देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। जिसका कंप्लीट फ्लोर जो है वो आपको प्लेन टाइल के अंदर मिलेगा, और जो इसकी मेन वॉल है फीचर्ड वॉल, उसके अंदर अगेन आपको ग्लास और फोमिक शीट का यूज मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए आपको वॉल की दोनों साइड्स के ऊपर लेफ्ट राइट विंडो मिलेगी, उसके बाद मीडिया वॉल, और रूम के साथ जो है वो आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा। वॉशरूम के अंदर अगेन आपको कोरियन की सिंगल वैनिटी और एक कॉर्नर के ऊपर आपको कंसील्ड शॉवर मिलेगा। सैनिटरी कंप्लीट आपको जो वॉशरूम्स की है वहाँ पर आपको ग्रोही की मिलेगी, और सेम कलर की जो है वो टाइल आपको फ्लोर और रूफ दोनों पे मिलेगी। टाइल्स के मिड के अंदर आप देख सकते हैं ब्रास का जो है वो यूज़ किया गया है। तो ये था व्यूवर्स कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू, जिसमें आपको टीवी लॉन्च, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम, किचन, वॉशरूम और जो है वो 2 bedrooms की जो है वो स्पेस मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जिसकी एक्सेस जो है वो एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगी। सबसे पहले अगर आप लॉबी का व्यू देखें तो आपको तीनों साइड से जो है वो विंडो मिलेंगी। स्टेयर्स के ऊपर आपको अगेन मार्बल, और राइट साइड के ऊपर आपको ग्लास और वुड का यूज़ मिलेगा।
पैटियो की एक्सेस आपको स्टेयर के पास ही से मिलेगी, जहां से आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर की एक्सेस के लिए जो है वो स्टेयर यूज की गई है। उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो आप ये लॉबी से कंप्लीट एक घर का व्यू देख सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम की अगर हम बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको एलिवेशन वाली साइड पे मिलेगी, जहां से आपको बालकनी की एक्सेस भी मिलेगी। इसके कंप्लीट फ्लोर के ऊपर आपको डार्क ग्रे कलर की टाइल मिलेगी और जो मेन फीचर्ड वॉल है वहां पर आपको जेट ब्लैक और ब्रास के अंदर जो है वो इसकी डिजाइनिंग मिलेगी। दोनों साइड से आपको जो है वो वेंटिलेशन के लिए विंडो। और उसके बाद हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। यहाँ पर आपको सिंगल वैनिटी और डोर की बैक साइड के ऊपर आपको इसकी क्लोजेट मिलेगी, इसकी हाइट आप देख सकते हैं। उसके बाद वॉल हैंग कमोड और कंप्लीट जो है वो आपको ग्रोही की जो सैनिटरीज कंप्लीट हाउस के अंदर मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं टीवी लॉन्च और सेकंड और थर्ड बेडरूम की तरफ। तो आप ये लॉबी की एक्सेस दे सकते हैं, आपको पैटियो की एक्सेस जो है वो आपको लॉबी से, रूम और टीवी लॉन्च तीनों साइड से जो है वो आपको इसकी एक्सेस मिलेगी। फर्स्ट फ्लोर के अगर हम टीवी लॉन्च की बात करें तो अगेन आपको लाइट कलर की टाइल का यूज़ मिलेगा कंप्लीट फ्लोर पे। और उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपको जो इसकी मीडिया वॉल है उसमें आपको टाइल और बॉटम के ऊपर ड्रॉअर मिलेंगे। लेफ्ट राइट आपको सीलिंग फैन और मिड मेशेंडर मिलेगा। एक स्टैंडर्ड साइज का किचन फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा, जहाँ पर आप माइक्रोवेव और कॉफ़ी वगैरह के लिए जो है वो स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रूम्स की तरफ। तो सेकंड रूम की अगर हम बात करें तो अगेन आपको सब रूम की जो है वो एक फीचर्ड वॉल मिलेगी, जिसको कम्प्लीटली डिकोर किया गया है टाइल, ब्रास, ग्लास और फोमिक शीट के साथ। सीलिंग की हाइट जो है वो फ्लोर से 12 फीट रखी गई है और फीचर्ड वॉल के ऑपोजिट साइड पे आपको एक मीडिया वॉल मिलेगी और कॉर्नर के ऊपर आपको सिटिंग स्पेस जो कि कम्प्लीटली वुडन फ्लोर के साथ जो है वो तैयार की गई है। यहाँ से ही आपको पैटियो की एक्सेस मिलेगी। उसके बाद हम रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम की तरफ चलते हैं। तो वॉशरूम का कंप्लीट जो है वो इंटीरियर आपको डार्क कलर में मिलेगा। यहाँ पर अगेन आपको वॉल हैंग कमोड, ग्रोही की सैनिटरी, कंसील्ड शॉवर और शॉवर के एरिया को प्रॉपर जो है वो ग्लास के साथ आपको कवर्ड मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड बेडरूम। तो ये आपको इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर स्टोर की एक्सेस मिलेगी। थर्ड बेडरूम में कंप्लीट आपको जो फ्लोरिंग है वो अगेन टाइल की मिलेगी। दोनों साइड्स पे आपको विंडो और कंप्लीट वॉल के ऊपर आपको पेंट का यूज मिलेगा। उसके बाद वॉशरूम जो कि अगेन कंप्लीटली आपको लाइट कलर की टाइल्स के अंदर मिलेगा। और उसके बाद डोर की बैक साइड के ऊपर आपको इसकी कंप्लीट जो है वो क्लोजेट मिलेगी। तो ये था व्यूअर्स कंप्लीट फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं पैटियो की तरफ, बारबेक्यू एरिया, जिसकी एक्सेस आपको लॉबी, रूम्स और लॉबी जो है वो तीनों साइड से आपको जो है वो इसकी एक्सेस मिलेगी। प्रॉपर यहाँ सिटिंग जो है वो स्पेस दी गई है। फ्लोर के ऊपर आपको कंप्लीट टाइल मिलेगी और वॉल्स के ऊपर अगेन जो है वो रॉक वॉल का यूज़ किया गया है।
ड्रेनेज टैप और वाटर टैप का आप देख सकते हैं यूज़ लॉन्ड्री के लिए। और वॉल्स के ऊपर आपको ट्रेवर्टाइन मिलेगा। मेन वॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बारबेक्यू के लिए जो है वो प्रॉपर फायर प्लेस मिलेगी। रॉट आयरन की जो है वो प्राइवेसी के लिए आपको रॉड मिलेंगे। और कम्प्लीटली जो है वो दोनों साइड्स पे आपको ट्रेवर्टाइन मिलेगा। तो ये सब व्यूवर्स एक कनाल ब्रांड न्यू हाउस का टूर, जिसके अंदर आपको 5 बेडरूम और 6 वॉशरूम मिलेंगे। क्योंकि प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी डिमांड 11 करोड़ 75 लाख है। वीडियो के बारे में मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।